आपकी आप पूरी टीम आप लोग आप लोगों ने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक उठाया और उसको आप उसके आप उसके बारे में बात मैरिज एंड वी नो दैट इन ड्रामा यू प्लेंग ईयर ओल्ड जिसकी शादी हो गई <स्वारी> है शादी नॉट दैट के बाद पक्की या मंगनी बट एक पंद्रह साल <laughs> की बच्ची छोटी बच्ची की शादी हो गई है और शादी के बाद किस तरह से ये हस्बैंड एंड वाइफ ऑब्वियसली व्हाट इज हस्बैंड की उम्र कितनी है लाइक like, जो में एक सोलह 16. 16. Yes, so 16. 16. साल का शोहर और पंद्रह साल की बीवी uh -huh. उनके बीच का जो रिलेशनशिप डायनामिक <laughs> है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है ना वन कुड से सिर्फ ये सुन के यार ये किस तरह की कहानी है भाई ये क्या कर रहे हैं क्या आप चाइल्ड मैरिज को क्या ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या टीन एज रोमांस या टीन एज मैरिज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्वियसली आई नो के नियत ये नहीं है बिल्कुल भी नहीं है क्या नियत है, नियत है? रोमांटिस अवेयरनेस फैलाने की नियत है क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है ये होता है अगर आप भी अपने इर्द गर्द देखें तो ऐसा एक जरूर कपल होगा जो काफी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई मेरे इतना छोटा कोई कपल नहीं है इतना तो नहीं लेकिन जो थोड़ी थोड़ी जल्दी शादी होती है अठारह उन्नीस बीस का सुना है चौदह पंद्रह का मैंने कभी नहीं सुना तो उनके स्ट्रगल अभी आएंगे उनकी भी चीजें आएंगी क्योंकि वो दोनों कजन भी रह चुके हैं तो उनकी एक वो वाली बॉन्डिंग है जो उनकी शादी के बाद बॉन्डिंग नजर आ रही है वो वो कजन वाली बॉन्डिंग है रोमांटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे अभी हम अभी आप ड्रामा देखिए फिर आपको पता चलेगा कि देर आर सो स्ट्रगल्स टू स्ट्रगल एंड हम बस उस पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इफ़ यू गेट मैरिड अर्ली हाँ उसके प्रोज भी होते हैं लेकिन जो उसके कॉन्स होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे hmm. तो हम दोनों चीजों पर लाइट फैला रहे हैं और हम ये बस ये अवेयरनेस के लिए हम इसको या ग्लोरिफाई बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रहे आप नहीं कर रहे लेकिन मुझ तक भी आपके फैंस की तरफ से आपके फ़ैन पेजेस की तरफ से एडिट्स आ रहे हैं वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ पे आपके और समर जो आपके प्ले बड़े हम लोग ने भी चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि जब हम लोग भी वो सीन्स कर रहे थे तो हम लोग ने उसी वे में लिया था कि यार कुछन्स है। कुछन्स में ऐसा होता है लेकिन जब वो लोग उसको उस वे में ले गए तो हम लोग भी बस एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे थे क्या हो रहा है लेकिन

तो उसकी सेंसिटिविटी को भी फिर और सेंसिबिलिटीज़ को भी मद्देनजर रखा जाए उसको उसी लाइट में दिखाया जाए जो कि आप कह रही हो कि इंटेंशन है यार कि हमने ये इशू रेज करना है कि भाई इस तरह की चीज़ सोसाइटी में नहीं होने चाहिए और अगर आपके फैंस और ड्रामे के फैंस उसी कपल को रोमांटिसाइज करना शुरू कर देंगे एक पंद्रह साल की बच्ची को और एक सोलह साल के बच्चे को कि यार इनकी शादी हो गई है और अब इनके ऊपर हम क्यूट क्यूट ज बनाए और एडिट्स बनाए आई थिंक दैट डिफीट्स दर्पज दैट्स इन माइपनियन